हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स इससे पहले जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को डिस्कस किया था, और वहां हमने बात की थी इन द एंड ऑफ द लेक्चर कि हाइड्रोजन का भी एक स्पेक्ट्रम जो है देखा गया, जिसमें जो लाइन्स थी वो कई तरीके की वेवलेंथ की लाइन्स निकल के आ रही थी, जिसमें से कुछ लाई कर रही थी अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर, कुछ इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई कर रही थी, और कुछ ऐसी रेडिएशंस थी जो विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रही थी। लेकिन इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि लाइंस के कौन से ऑर्बिट से या कौन सी एनर्जी लेवल के अंदर कौन सी लाइन या कौन सी वेवलेंथ लाई करेगी। तो उसको बोहर ने एक्सप्लेन किया अपने पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। मीन्स बोहर ने एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये रेडिएशन क्यों आ रही है। तो यहां आज का टॉपिक हमारा रहेगा, यही टॉपिक रहेगा कि एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ेंगे हम अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम कि एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या था, क्या उसके अंदर कॉन्सेप्ट उठे थे। देखो स्टूडेंट, यहां हम लोगों ने एक हाइड्रोजन सैंपल लिया। ये कॉन्सेप्ट तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर से ही है, जैसे कि यहां हमने हाइड्रोजन का कोई सैंपल लिया, हाइड्रोजन गैस का सैंपल लिया, और हो क्या रहा था कि हम जब इसके अंदर कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे तो दीज हाइड्रोजन एटम विल ब्रेक डाउन इनटू एच फ्री रेडिकल एंड एच फ्री रेडिकल। मीन्स ये इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जा रहा था, जो मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूँ। इस तरीके से ब्रेक डाउन ऐसे ऐसे बहुत सारे इस तरीके के बहुत सारे एटम जो है इस हाइड्रोजन सैंपल के अंदर प्रेजेंट हो जा रहे थे जब मैं एनर्जी इसके अंदर प्रोवाइड करता था। और ये सब के सब एटम डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को यहां से क्या करते थे, एब्जॉर्ब करते थे। और जब डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करते थे और फिर वो जो रेडिएशन वहां से निकलती थी, मीन्स इलेक्ट्रॉन जब अपनी रेडिएशन इम्पार्ट करता था और वो रेडिएशन यहाँ इस प्रिज्म से जब हम पास कराते थे तो ये कई सारी लाइन्स में जो है इस तरीके से डिवाइड होता था। यहाँ कई सारी लाइन्स हमें नजर आती थी, कुछ लाइन्स जो है विजिबल रीजन के अंदर थी, कुछ IR रीजन के अंदर थी, कुछ अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर थी, और कुछ अदर टाइप ऑफ रीजन के अंदर भी प्रेजेंट थी। अब वो कौन से रीजन थे, किस रीजन के अंदर कौन सी वेवलेंथ कब किस रीजन के अंदर प्रेजेंट होगी, उसकी एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पढ़नी है जो मोर मॉडल ऑफ एटम ने करके दी। तो उसको पढ़ने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि सबसे पहले बोहर ने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर की जो रेडिएशन आ रही है वो रेडिएशन किस वजह से आ रही है। कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक न्यूक्लियर चार्ज ले और इसके सराउंडिंग में यहाँ हम लोग ऑर्बिटल्स को बना ले, ये हमारा n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट हो गया। मान लो ये इज इक्वल टू क्या हो गया, n इज इक्वल टू 2। इसका एनर्जी लेवल E1 कह दिया हमने, इसका एनर्जी लेवल क्या कह दिया, E2 कह दिया। व्हेन वी गिव एनर्जी टू दिस एटम, जब हम इस एटम को एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दी हुई एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। मीन्स अब आप क्या पढ़ने जा रहे हो कि जो आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर रेडिएशंस का एमिशन देखा था उसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ रहे हो। होता क्या है कि यहाँ एटम को एनर्जी दी जाती है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस एनर्जी को अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करते ही ये इस एनर्जी लेवल के अंदर ना रह के, इस E1 के अंदर ना रह के ये कहाँ जाता है, अपनी एक दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, जिसे मैं कह देता हूँ एक्साइटेड स्टेट। ये इस इलेक्ट्रॉन की कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, और ये इसकी कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो अपनी इस ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मतलब कि एनर्जी E1 से लेके और कहाँ जाएगा, एनर्जी E2 में जाएगा, मतलब कि n इज इक्वल टू 1 से कहाँ जा रहा है, n इज इक्वल टू 2 में जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो लाइफ है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रहती, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इस एक्साइटेड स्टेट से वापस किस में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो यहां तो ये क्या करके जा रहा था, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके जा रहा था, यहां क्या करके जा रहा था, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। और यहां क्या करेगा, जब वो एक्साइटेड से वापस ग्राउंड में आएगा तो यहां एनर्जी का क्या कर देगा, एमिशन कर देगा, यहां एनर्जी का क्या करेगा, एमिशन करेगा। और ये जो एमिशन होगा इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ये एमिशन होगा। मतलब कि यहां हम लोग क्या कह देंगे कि यहां क्या निकल के आएगी, एच न्यू निकल के आएगी, मतलब कि एच इज स्टैंड फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज स्टैंड फॉर व्हाट, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद बोहर ने क्या किया, बोहर ने कहा कि भाई आप इसको लिख सकते हो कि चेंज इन एनर्जी जो होगा वो हम लिख सकते हैं कि डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1।
इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, एच न्यू के। जो बात हम लोग अपने पिछले लेक्चर के अंदर जब मैंने आपको यूजफुलनेस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम कराए थे उसके अंदर मैं इस बात को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये रेडिएशन की फॉर्म में आ रहा है जिसको हम क्या कह सकते हैं, एच न्यू कह सकते हैं। इसको फिर हमने वहां सॉल्व भी किया था, तो अब मैं उसको नहीं सॉल्व कर रहा हूं, उसको देखने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हो। तो यहां के बाद क्या हुआ कि यहां के बाद बात किसकी आती है, जो ये लाइन्स थी, जो ये रेडिएशन थी, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर लाई कर रही थी, मतलब कुछ आईआर रीजन में थी, कुछ यूवी रीजन के अंदर थी। उसकी एक्सप्लेनेशन बोहर ने किस तरीके से दी कि यहां के बाद हम लोग कह देते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर क्या हुआ, एक नया कॉन्सेप्ट बना कि रेडिएशन कैसे इम्पार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि ये आपके पास एक एनर्जी लेवल है या फिर एक ऑर्बिटल है जिसका नाम हमने दे दिया एन इज इक्वल टू वन। इसके बाद बोहर ने कहा कि सेकंड एनर्जी लेवल होगा एन इज इक्वल टू कितना होगा, टू होगा। उसके बाद फिर वो कहता है कि एक थर्ड एनर्जी लेवल होगा, मतलब ऑर्बिट होगा, ऑर्बिटल होगा जिसे हम कहेंगे एन इज इक्वल टू थ्री। यहाँ के बाद एक और बोला गया एन इज इक्वल टू फोर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, एन इज इक्वल टू फाइव कंसिडर कर लेते हैं, एन इज इक्वल टू सिक्स कंसिडर कर लेते हैं, एंड सेम एन इज इक्वल टू सेवन कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ से फिर हम लोग कह देते हैं कि एन इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फिनिटी बोलते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी तक जा सकता है या इन्फिनिटी से वापस भी आ सकता है। ये जो एनर्जी ऑर्बिटल या आप लोग जो ये ऑर्बिटल देख रहे हो, एनर्जी लेवल देख रहे हो, मतलब ये एक एनर्जी लेवल है, ये भी एक एनर्जी लेवल है, ये एक एनर्जी लेवल, ये सब एक एनर्जी लेवल है। यहाँ एनर्जी लेवल कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा किस में है, इन्फिनिटी लेवल में, मतलब इलेक्ट्रॉन जब इन्फिनिटी में जाएगा तो उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ ये किसके एनर्जी लेवल दिखाए हैं बोहर ने, ये हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल दिखाए हैं। उसने कहा है कि हम इस तरीके से हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स को या ऑर्बिटल्स को कंसिडर कर लेते हैं। और उसने क्या कहा कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, ये आपका एटम होगा, इसके सराउंडिंग में जो है ये न्यूक्लियस होगा, ये ऑर्बिटल, इसके अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब हम इस एटम को एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन कैन गो फ्रॉम दिस E1 टू E2, या फिर इलेक्ट्रॉन कैन गो फ्रॉम दिस E1 टू E3, डिपेंड ऑन एनर्जी कि हम कितना एनर्जी इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट को चूज करेगा कि वो कौन से एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहता है। और लेकिन ये काम जो होगा ये कब होगा, जब एनर्जी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ बोहर पहले उसी बात को समझाता है, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका, वो इलेक्ट्रॉन इस n इज इक्वल टू वन से, इस n इज इक्वल टू वन से कहाँ जा सकता है, n इज इक्वल टू टू में जा सकता है, n इज इक्वल टू वन से कहाँ जा सकता है, n इज इक्वल टू थ्री में जा सकता है, इस तरीके से n इज इक्वल टू वन से कहाँ जा सकता है, n इज इक्वल टू फोर में जा सकता है, n इज इक्वल टू वन से कहाँ जा सकता है, n इज इक्वल टू फाइव में जा सकता है, n इज इक्वल टू वन से कहाँ जा सकता है, n इज इक्वल टू सिक्स, देन n इज इक्वल टू वन से कहाँ जा सकता है, n इज इक्वल टू सेवन, एंड सिमिलरली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है n इज इक्वल टू वन से कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। और यहाँ जो भी आप देख रहे हो, ये जो पार्ट चल रहा है, इसको मैं क्या बोलूँगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, इसे क्या बोलूँगा मैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। नाउ अब एक बात कही बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मतलब यहाँ से ये एक एक्साइटेड स्टेट हो गई, फिर ये भी एक एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, मतलब n इज इक्वल टू वन से अगर मैं कंसिडर करता हूँ, ये भी एक एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, ऐसे करके ये सब क्या हो सकती है आपकी, जो n इज इक्वल टू वन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन सब की वह 2, 3, 4, 5, 6, 7 या फिर इन्फिनिटी तक, ये सब क्या है उसके लिए, एक्साइटेड स्टेट है, जो डिपेंड करती है कि हमने एटम के अंदर एनर्जी कितना प्रोवाइड किया है। अब बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इस एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन की लाइफ एक्साइटेड स्टेट के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रहती, इलेक्ट्रॉन यहां से वापस भी आता है। जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो वो डायरेक्ट आ सकता है या तो E3 से किस में जंप कर सकता है, E2 में जंप कर सकता है, या फिर E3 से किस में जंप कर सकता है, डायरेक्ट E1 में जंप कर सकता है। तो बोहर कहता है कि जब यहां इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो यहां भी एक रिलीज ऑफ एनर्जी होगा, यहां भी क्या होगा, एक रिलीज ऑफ एनर्जी होगा। और इलेक्ट्रॉन जब E3 से वापस E1 में आएगा डायरेक्ट, तो यहां भी क्या होगा, एक रिलीज ऑफ एनर्जी होगा। लेकिन इन दोनों एनर्जी के अंदर जो न्यू, एच न्यू निकल के आएगी, रेडिएशन निकल के आएगी,
उन दोनों की वेवलेंथ क्या होगी? डिफरेंट होगी। मतलब ये एच न्यू की वैल्यू जो होगी, रेडिएशन की वैल्यूज होंगी, ये क्या होंगी आपकी? डिफरेंट होंगी। हाँ, एच तो हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, जो न्यू की बात हम लोग कर रहे हैं, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाय लैम्बडा। तो वो जो सी बाय लैम्बडा होगा वो इन दोनों के लिए क्या होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन ने कम दूरी को तय करके एनर्जी को रिलीज किया, यहां ज्यादा दूरी को तय करके एनर्जी को क्या किया? रिलीज किया। और जो ये रिलीज ऑफ एनर्जी होगा, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चूज करेंगे कि वहां कितनी वेवलेंथ निकल के आ रही है और वो वेवलेंथ कौन से रीजन के अंदर लाई करेगी। तो यहां हम लोग डिस्कस करते हैं उसी बात को कि देखो, इलेक्ट्रॉन इस इन्फिनिटी से, जो इलेक्ट्रॉन हमने यहां से इन्फिनिटी तक पहुंचाया है, वही इलेक्ट्रॉन इस इन्फिनिटी से या तो जंप कर सकता है डायरेक्ट किसमें? वन में। या तो इलेक्ट्रॉन सीधा जंप कर सकता है किसमें? एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी से किसमें? एन इज इक्वल टू वन में। या फिर इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है डायरेक्ट किसमें? n इज इक्वल टू सेवन से किसमें जंप कर सकता है सीधा? n इज इक्वल टू वन में। या फिर इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है n इज इक्वल टू सिक्स से कहां से? n इज इक्वल टू वन में। या फिर n इज इक्वल टू फाइव से कहां जंप कर सकता है? n इज इक्वल टू वन में। या फिर n इज इक्वल टू फोर से जंप कर सकता है n इज इक्वल टू वन। n इज इक्वल टू थ्री से n इज इक्वल टू वन। या फिर n इज इक्वल टू टू से कितना? n इज इक्वल टू वन। मतलब कि यहां ये क्या बताना चाह रहा है बोर, कि जब इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल से, इन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इन्फिनिटी, इनसे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट वन एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो देर विल बी ए सीरीज जिसका नाम क्या होगा, जिसे हम बोलेंगे लेमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज क्या हुआ कि बोर जो भी इस काम को कर रहा था, तो ये कई सारे लोग होते थे अपने जो है स्टूडेंट के साथ ये काम करते थे, तो बोर ने अपने स्टूडेंट के नाम पर इन सीरीज का नाम रख दिया। मतलब इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इन्फिनिटी टू वन, सेवन टू वन, सिक्स टू वन, फाइव टू वन, फोर टू वन, थ्री टू वन, टू टू वन। तो जब इन एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन वन एनर्जी लेवल में जंप करेगा, तो उस सीरीज का नाम क्या होगा? लाइमन सीरीज होगा। और लाइमन सीरीज के अंदर जो रेडिएशंस होंगी, लाइमन सीरीज के अंदर जो ये रेडिएशंस आ रही हैं, इन रेडिएशंस का जो रीजन होगा वो कौन सा रीजन होगा? यूवी रीजन होगा। वो कौन सा रीजन होगा? यूवी रीजन होगा। तो दिस वाज द फर्स्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर हमें रेडिएशंस अलग अलग रीजन के अंदर क्यों दिखाई दे रही थी। वहां जो यूवी रीजन था, उसका मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा है, चाहे वो इन्फिनिटी से आ रहा है, वो कहां जंप कर रहा है? डायरेक्ट वन में जंप कर रहा है। इस वजह से वहां से जो निकलने वाली रेडिएशंस है, दीज आर रेडिएशंस, जिनको हम लोग लाइन की फॉर्म में दिखा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड रेडिएशंस। तो ये जब जंप करेगा वन में, तो इस सीरीज को मैं, इस रीजन को क्या बोलूंगा मैं? सीरीज होगी आपकी लाइमन सीरीज। और रीजन को क्या बोलूंगा मैं? अल्ट्रावायलेट रीजन बोलूंगा। और इस रीजन को आप लोग यू कैन नॉट सी, या मैं कह दूं यू नहीं, वी कैन नॉट सी सच टाइप ऑफ रेडिएशंस। इसलिए हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, तो वहां रेडिएशंस कई टाइप की निकल रही थी, लेकिन हमें कौन सा रीजन दिखाई दे रहा था? केवल एक विजिबल रीजन दिखाई दे रहा था। मतलब कुछ रेडिएशंस थी जो केवल हमें दिखाई दे रही थी, वो कौन से रीजन में आती है उसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन अभी अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर जो रेडिएशंस होंगी वो हम लोग नहीं देख सकते। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो, हमने जब डेल ई इज इक्वल टू पढ़ा था, ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू एच न्यू, और इसको जब हम लोग सॉल्व करने बैठ गए थे, तो हमने इसके बारे में लिखा था कि ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू एच सी बाय कितना? लैम्ब्डा। यहां से आप लोग लैम्ब्डा को सॉल्व करोगे, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी बाय कितना? ई टू माइनस ई वन। तो देखो, यहां क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है कि जहां एनर्जी ज्यादा होगी, मींस डिफरेंस इन एनर्जी जितना ज्यादा होगा, लैम्ब्डा उतना ही क्या होगा? कम होगा। मींस बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब आप यहां देखो, जब इलेक्ट्रॉन इस इन्फिनिटी से जंप करेगा किसमें? वन एनर्जी लेवल में जंप करेगा, तो देर इज अ रिलीज ऑफ मोर एनर्जी। यहां रिलीज ऑफ एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। एंड जितना ज्यादा ये रिलीज ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, लैम्ब्डा उतनी क्या होगी? कम होगी। तो मैं लिखता हूं कि इस वाले पॉइंट के लिए, मतलब इस वाली रेडिएशन के लिए जो इन्फिनिटी से कहां जंप कर रही है, वन में जंप कर रही है, इसके लिए लैम्ब्डा तो क्या होगा? शॉर्टेस्ट होगा। लैम्ब्डा इसके लिए क्या होगा? शॉर्टेस्ट। लेकिन एनर्जी डेल ई इज इक्वल टू क्या रहेगा? लार्ज रहेगा, क्योंकि यहां रिलीज ऑफ एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां हमने समझा कि अगर इलेक्ट्रॉन E3 से डायरेक्ट E1 में आता, तो देयर विल बी मोर रिलीज ऑफ एनर्जी, यहां ज्यादा रिलीज ऑफ एनर्जी होगा। इसी वजह से यहां इसके लिए लैम्ब्डा तो क्या होगी? शॉर्टेस्ट। लेकिन डेल ई क्या हो जाएगा? लार्ज। ऐसे यहां से गिरते हुए हम लोग कह सकते हैं कि इसके लिए
इस पॉइंट के लिए लैम्डा तो क्या हो जाएगा, यहाँ शॉर्टेस्ट है, यहाँ क्या हो जाएगा लैम्डा लार्ज हो जाएगा, और एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ शॉर्ट हो जाएगी। तो ये बात थी किसकी, यूवी रीजन की, जिसको हम लोग नहीं देख सकते, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर क्रिएट हो रही थी। अब इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन मान लो जंप करता है, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, इन्फिनिटी से किस में, एनर्जी लेवल 2 में, मतलब इस n इज इक्वल टू 2 में। अब हमारा ग्राउंड लेवल कौन ले लिया हमने, n इज इक्वल टू 2 ले लिया। तो इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n इज इक्वल टू 7 से किस में, n इज इक्वल टू 2 में, देन n इज इक्वल टू 6 से किस में, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 5 से कहां, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 4 से कहां, n इज इक्वल टू 2, एंड n इज इक्वल टू 3 से कहां, n इज इक्वल टू 2। यहां जो सीरीज होगी, इस सीरीज को नाम बोला जाएगा बाल्मर सीरीज। ये भी एक उसका एक स्टूडेंट था जिसके नाम पे उसका नाम रखा गया। इस सीरीज को हम कौन सी सीरीज बोलेंगे, बाल्मर सीरीज बोलेंगे बेटा। और यहां जो रीजन होगा रेडिएशन का, ये रेडिएशन का रीजन होगा विजिबल रीजन। इस रीजन को क्या बोलूंगा मैं, विजिबल रीजन मैं इसको बोलूंगा। विजिबल रीजन का मतलब क्या होगा कि जो रेडिएशन आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जिनका कलर दिखाई दे रहा था, वो रेडिएशंस कौन सी थी, वो ये रेडिएशंस थी जिनमें इलेक्ट्रॉन अपने किसी भी एक्साइटेड स्टेट से कौन से एनर्जी लेवल या कौन से ऑर्बिटल में जंप कर रहा था, n इज इक्वल टू 2 में जंप कर रहा था। मतलब आप किस टाइप की रेडिएशंस को देख सकते हो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, बोहर ने ये बताया कि हम केवल उस तरीके की रेडिएशंस को देख सकते हैं, उस वेवलेंथ को देख सकते हैं जो वेवलेंथ कहां से कहां आ रही होगी, जब इंफिनिटी से या तो जंप कर रहा हो 2 में, या फिर 7 से जंप कर रहा हो 2 में, या 6 से 2 में, 5 से 2 में, 4 से 2, या फिर 3 टू 2। इन टाइप की रेडिएशंस को, यहां से निकलने वाली जो रेडिएशंस होंगी, उन रेडिएशंस को आप लोग किस रीजन में देख रहे हो, विजिबल रीजन में, और इन रेडिएशंस को आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो। तो मैं इसके नीचे लिखूंगा, वी कैन सी दीज विजिबल रीजन रेडिएशन, इन रेडिएशंस का हमें कलर नजर आएगा। मतलब कि ये आपका कौन सा कलर होगा, विबग्योर टाइप कलर होगा, ये कौन सा कलर होगा, विबग्योर टाइप कलर होगा, जिनको हम लोग हमारी आंखें जो है हमें देख सक दिखा सकती हैं उन कलर्स को। इसके बाद अब यहाँ की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट, यहाँ के लिए इसके लिए क्या हो जाएगा लैम्डा, तो क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट, लेकिन एनर्जी क्या हो जाएगी लार्ज। फिर यहाँ आप लोग डिस्कस कर सकते हो, यहाँ एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा कम, लेकिन लैम्डा क्या हो जाएगा ज्यादा। इसके बाद बेटा अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है आपका कहाँ, इन्फिनिटी से किस में, 3 एनर्जी, एनर्जी लेवल 3 में, मीन्स एन इज इक्वल टू 3 में, इलेक्ट्रॉन व्हेन जंप फ्रॉम इन्फिनिटी टू 3, इस 3 एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है। 7 टू कहाँ आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 टू कहाँ आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 टू कहाँ आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 टू कहाँ आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये जो रीजन होगा, यहाँ लेमन सीरीज होगी, ये बाल्मर सीरीज होगी, इसको हम बोलेंगे पाश्चन सीरीज, इसको बोला गया पाश्चन सीरीज। और यहाँ जो रेडिएशंस जिस रीजन के अंदर लाई कर रही थी, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं आईआर रीजन, इंफ्रारेड रीजन। और इस टाइप की रेडिएशंस को भी आप लोग नहीं देख सकते, मतलब एक आप यूवी रीजन को नहीं देख सकते, आप आईआर रीजन को भी नहीं देख सकते, आपकी नेक्ड आईज इसको नहीं देख सकती। इसके बाद हम बात करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है इन्फिनिटी से कहाँ, 4 में, मैंने इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इन्फिनिटी टू 4, 7 टू 4, 6 टू 4 एंड 5 टू 4। पाश्चन के बाद जो ये सीरीज होगी, इसको हम लोग बोलेंगे पी फंड, इसे बोहर ने क्या कहा, पी फंड कहा। और यहाँ जो रेडिएशंस इम्पार्ट होंगी वो भी कौन से रीजन में लाई करेंगी, आईआर रीजन में लाई करेंगी, इन्हें भी हम लोग किस में बोलेंगे, आईआर रीजन के अंदर बोलेंगे। नाउ इसके बाद सिमिलरली इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है इन्फिनिटी से कहाँ, 5 में, और उसके बाद कहाँ, 7 से किस में, 5 में, या फिर 6 से किस में, 5 में। तो ये जो सीरीज होगी ये आपकी कौन सी सीरीज कहलाएगी, इसको हम लोग कह सकते हैं हम्फ्री सीरीज, हम्फ्री सीरीज हम इसको बोल सकते हैं। और इसके अंदर भी जो रेडिएशंस होंगी वो कौन सी रेडिएशंस होंगी, आईआर रीजन के अंदर ये रेडिएशंस आएंगी जिनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, या फिर जो है बाल्मर सीरीज, उसके बाद पाश्चन, फिर यहाँ आपकी ब्रैकेट आएगी, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ये आपकी ब्रैकेट होगी। उसके बाद यहाँ पी फंड आएगी, उसके बाद यहाँ क्या आएगी, पी फंड। मतलब पी फंड की सीरीज क्या होगी, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इन्फिनिटी टू 5, मतलब ग्राउंड लेवल क्या होगा, 5 होगा। ब्रैकेट के लिए ग्राउंड लेवल क्या हो गया, 4 हो गया। पाश्चन के लिए ग्राउंड लेवल क्या हो गया, 3 हो गया। बाल्मर के लिए ग्राउंड लेवल क्या हो गया, 2 हो गया। और लेमन के लिए ग्राउंड लेवल क्या हो गया, आपका 1 हो गया। इसके बाद अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन को जंप करा रहे हो, मान लो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये सीरीज आपकी कौन सी सीरीज कहलाएगी, हम्फ्री सीरीज कहलाएगी। इस सीरीज को क्या बोलूंगा मैं, हम्फ्री सीरीज बोलूंगा। ये भी कौन से रीजन के अंदर लाई करेगी, आपकी आईआर रीजन में लाई करेगी। तो दिस इज द
लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जहां आप लोग कह सकते हो कि जब मैं इस एटम के अंदर, सॉरी ये जो हाइड्रोजन का सैंपल मैंने लिया था, इसकी रेडिएशंस को मैंने पास कराया प्रिज्म से, तो प्रिज्म से पास होने के बाद ये रेडिएशंस जो है कई सारे लाइंस के इस तरीके से जो है डिफ्लेक्ट हो रही थी या लाइंस हमें नजर आ रही थी, लेकिन इन लाइंस में से, बहुत सारी लाइंस में से हमें केवल इस स्पेक्ट्रोग्राफ पेपर पे कुछ ही कलर नजर आ रहे थे। मतलब कि जो बाकी की रेडिएशंस थी वो कौन सी थी, यूवी रेडिएशन थी, IR थी, लेकिन यहाँ जो केवल आपको जो कलर नजर आ रहे थे वो कौन से रीजन के थे, विजिबल रीजन के थे, मींस बाल्मर सीरीज के थे, और बाल्मर सीरीज के लिए ग्राउंड लेवल क्या होगा, 2 होगा। तो ये आपका लाइन स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन का, जो बोहर ने एक्सप्लेन किया, जिसके बारे में बोहर ने बताया कि हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन मूव फ्रॉम देयर नॉर्मल स्टेट मींस ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, उस वजह से उसके अंदर कई सारी रेडिएशंस बनती है, जो रेडिएशंस का अपना अपना एक वेवलेंथ होता है, अपना अपना एक रेडिएशन जो है रीजन क्रिएट करती है, और कुछ रीजन को हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं और कुछ रीजन को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। इसके बाद एक इक्वेशन यहां से बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं कि रेडबर्ग इक्वेशन, रेडबर्ग इक्वेशन, और ये इक्वेशन आपकी थी न्यू बार इज इक्वल टू आर एच इन टू 1/N1² माइनस 1/N2² और ये हाइड्रोजन के लिए है, ये इक्वेशन जो है किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए है। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं जब मैंने आपको यूजफुलनेस ऑफ बोहर मॉडल, जो रेडबर्ग कांस्टेंट की बात थी, यूजफुलनेस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम, उसके अंदर जो डिड्यूस किया था हमने रेडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला, उसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूं कि ये फॉर्मूला किस तरीके से आया, बाय द यूज ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बोहर ने इसका एक्सप्लेन किया, क्या यूज करके, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर देख सकते हो इस बात को समझने के लिए, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, जिसके अंदर इन सब बातों का क्या है, एक्सप्लेनेशन है। तो ये टॉपिक था आपका एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, या ये लेक्चर था, ये था एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन किया गया। मतलब कि अब एक ग्राफ बनाया जा सकता है, एक ग्राफ इस तरीके से, स्पेक्ट्रोग्राफ इस तरीके से बनाया जा सकता है। वहां हम लोग क्या कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इतना जो रीजन होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो ये रीजन आप क्या कह सकते हो, यूवी रीजन होगा, उसके बाद यहां से और यहां तक का रीजन जो होगा इसको हम लोग कह देते हैं कि इसके अंदर हमें कुछ कलर नजर आएंगे, जिसे आप कह सकते हो विबग्योर, जिसे आप क्या कह सकते हो, विबग्योर कह सकते हो। ये कौन सा रीजन होगा आपका, विजिबल रीजन होगा, उसके बाद आगे का एक रीजन होगा IR, उसके बाद और भी रीजन हो सकते हैं IR, इस तरीके से चलते चलते हमें ये बाकी का सारा पार्ट कैसा नजर आएगा, डार्क नजर आएगा। हमें केवल जो ये पार्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, केवल जो ये पार्ट है, ये पार्ट हमें क्या नजर आएगा, विजिबल नजर आएगा। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जंप हो रहे हैं उनके लिए ग्राउंड लेवल क्या है, 2 है, और एक्साइटेड लेवल कोई भी हो सकता है, मीन्स किसी भी एक्साइटेड लेवल से अगर ग्राउंड लेवल 2 में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो उस टाइप की रेडिएशन को आप लोग इजिली से क्या कर सकते हो, देख सकते हो अपनी नेक्ड आई से। तो इसी वजह से हम लोग कह रहे थे कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है, जो लाइंस उसके अंदर बन रही हैं, वो काफी कॉम्प्लेक्स हैं, और वो किस वजह से थी, क्योंकि देयर विल बी ए मेनी रीजंस, मेनी सीरीज देयर आर। और अगर मैं हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम ले लेता हूं, तो होगा क्या कि एक हाइड्रोजन के अंदर तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन ने हमें इतना कंफ्यूज किया, जिसके बोहर को, एक बोहर ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा हम कोई और एटम अगर कंसीडर कर लेते हैं, तो उस एटम के अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे हमें उतनी ही सीरीज नजर आएंगी, उतनी ही ज्यादा लाइंस नजर आएंगी, और हमें पढ़ना उनके लिए या उन एटम के बारे में लाइन स्पेक्ट्रम को पढ़ना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और यही एक रीजन था कि बोहर ने केवल किसके ऊपर काम किया था, हाइड्रोजन के ऊपर काम किया था, या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए उसने काम किया था। तो ये था बोहर मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। और अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो न्यू बार इज इक्वल टू हो जाएगा आपका RH इंटू 1/N1² माइनस 1/N2² इंटू Z², ये आपका Z² की बात आ गई। यहां आप जो भी एटॉमिक नंबर अगर कोई एटम लोगे तो उसका Z मीन्स एटॉमिक नंबर यहाँ पुट कर सकते हो, तो आपकी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। मतलब यहाँ अब क्या होगा कि आपके पास मान लो आप न्यू बार निकालना चाह रहे हो, तो न्यू बार के लिए आपको मान लो कोई N1 इज इक्वल टू दे दिया आपको, फॉर एग्जांपल 2 दे दिया, N2 इज इक्वल टू दे दिया आपको, कितना मैं कह दूं कि 5 दे दिया, तो आप यहाँ कितना रखोगे, 2 ऑफ स्क्वेयर, यहाँ का रखोगे 5 ऑफ स्क्वेयर। RH की वैल्यू आप लोगों को मैंने बताई हुई है 109.5
या फिर 109677 या फिर 1.09 × 10⁻¹⁷ कितना 7 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू का आप यहाँ पुट करो, उसके बाद जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा, न्यू बार निकल के आ जाएगा। न्यू बार का यूज़ करके आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, फ्रिक्वेंसी की भी निकाल सकते हो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, की बोहर मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशंस क्या थी, बोहर का मॉडल कैसे फेल हुआ, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप इसको लेक्चर को लिखो और इसको पढ़ो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।